डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्रेविटेशन हमने यूनिट जो स्टार्ट किया है उसमें मास और वेट के बारे में। स्टूडेंट, मास जो है वो क्या होता है और वेट क्या होता है? मास जो है वो है, वी हैव लर्न्ड, हमने पिछले यूनिट में जो है वो पढ़ा था कि मास जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, असल में वो इनर्शिया होता है। मास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। आपको भी पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हल्की होगी, उसका कम वेट होगा, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो ज़्यादा देर जो उसका अगर वेट कम है तो वो एक बार मोशन में जाएगी तो जल्दी ही वो रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन एक जो बड़ी ऑब्जेक्ट है उसको जब इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको वेट, उसको जो है चलने में भी हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और एक बार वो मोशन में आ गई तो उसको रुकाने के लिए भी हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास, हमने ये पढ़ा था उसमें कि अगर उसमें ज़्यादा मास है किसी ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया भी उसका ज़्यादा है। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट, अब ये सब सेम ही रहता है, अगर या अगर वो ऑब्जेक्ट धरती पे है, ज़मीन पे है, तब भी, अगर वो मून पे है या कहीं पे भी है, उसका मास जो है वो सेम ही रहता है, उसका इनर्शिया वैसे ही रहता है। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम, इसलिए मास जो है वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है, यहाँ से वहाँ वो बदलता नहीं है। दूसरी तरफ जो वेट है, वेट जो है हमें पता है कि अर्थ जो है, हमारी ज़मीन जो है वो हर एक चीज़ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अब वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद ए सर्टन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है? मास पे, है ना? अब वो खींचेगी तो सही, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे लगती है, वो छोटे से पत्ते या लीफ पे भी लगती है, वो टहनी पे भी लगती है, ब्रांच पे, या कोई नीचे गिरेगी लकड़ी का पीस या थोड़ा सा छोटा पत्थर, और बड़े पत्थर या इंसान पे या किसी भी जानवर पे लगेगी। लेकिन वो किसको ज़्यादा खींचेगी? जिसका मास ज़्यादा होगा। सो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो उतनी रहेगी, लेकिन जो मैक्स डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा उसका मास। सो मास जो है वो किस पे डिपेंड करती है? हम जो वेट है वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, कि किस फोर्स से उसको खींचा जा रहा है। सो वेट जो है वो क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज, अब वेट जो है वो किसके बराबर होता है? मास जो है खाली उसका जो इनर्स, मास जो है वो खाली उसका ये हो गया कि उसकी जो वो कितना बड़ा है ना, वो कितना उसका मास कितना है, वो कितना बड़ा है, वो उस पे उसको वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी तरफ वेट जो है वो हो गया मास प्लस एक्सेलेशन, उस पर एक्सेलेशन कितनी लग रही है, तो ये बन गया उसका वेट। अब हमें पता है फोर्स जो है, हम ये पता कर रहे हैं कि फोर्स कैसे उसको खींच रही है, कितनी फोर्स उस पर लग रही है मास पे। तो फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे क्या है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? जी, ग्रेविटी। सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज नोटेड बाय डब्ल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वी हैव। अब फोर्स जो यहाँ पे लग रही है वो कौन सी है? वो वेट है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे क्या है? मास और एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए एफ इज इक्वल, हम फोर्स को वेट के बराबर मानते हैं, इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम इन टू जी। सो एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, ऐसा यूनिट जो है वो सेम ही रहता है न्यूटन। वेट इज फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ये फोर्स जो है, वेट जो है वो डाउनवर्ड लगता है ज़मीन की तरफ। वी हैव लर्न दैट वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट, हमें पता है कि जी की वैल्यू वह कॉन्स्टेंट है, वो हर जगह धरती के, ज़मीन के किसी भी कोने पर वो एक जैसा ही रहेगा, मास सेम रहेगा उसका।
सो देयरफॉर एट ए गिवन प्लेस वेट ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास। अगर मास कम होगा तो वेट भी कम होगा, मास होगा उसका वॉल्यूम, उसका शरीर कितना बड़ा है, उसका बॉडी कितनी बड़ी है। सो दैट इज डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट ए गिवन एट ए गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। इसीलिए हम किसी भी एक जगह पे जो वेट है उसको मास के बराबर मानते हैं। आपको भी पता है, एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है और एक बड़ी ऑब्जेक्ट है, तो बड़ी ऑब्जेक्ट का मास भी बड़ा ही होगा। अगर उसका वेट बड़ा है तो इसका मतलब उसका मास, तो हम उसको मास वेट को एक तरीके से मान सकते हैं ऐसे रफली सिंपल लैंग्वेज में। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर बट इट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लेनेट वेयर इट्स वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। सो मास ऑब्जेक्ट का वो हमें हर जगह एक ही जैसा रहता है, ठीक है, चाहे वो अर्थ पे हो या किसी भी प्लेनेट पे हो। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून पे क्या रहता है, ये आपको ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, और इसमें आप देखेंगे कि जो वेट है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वो 1/6 ऑफ द वेट जो है, जो जमीन में जिसका वेट जितना भी है वो उसका 1/6 था, यानी वो उससे 6 गुना कम हो जाता है। मतलब अगर किसी का वेट यहाँ पे 6 किलो है जमीन पे, तो उसका वेट जो है वो मून पे 1 किलो रह जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, उसका मास तो सेम है ना, मास उसका सेम है, यहाँ भी सेम है वहाँ पे भी, तो फिर वेट में क्यों फर्क आया। मास जो है वो खाली उसका इनर्शिया है, उसका खाली वो खाली उसकी एक क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, उस पर कितनी ग्रेविटी लग रही है वो। तो क्योंकि अर्थ पर जो है वो ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है, मून पर उसके 6 6 टाइम्स कम है ग्रेविटी, तो इसीलिए